नमस्कार, एस सेवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं एस सेवन न्यूज। मामला वो जिसके लिए आपके लिए जद्दोजहद किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं निजामपुरा वार्ड क्रमांक 5 की, जहां पर पानी के किल्लत को लेकर पिछले 2 महीने से परेशान यहां के लोग। नगर सेवक क्या करें, क्योंकि महानगर पालिका में उनकी सुनवाई नहीं होती। वार्ड क्रमांक 5 का पानी का यह मुद्दा मनपा की दीवारों तक कैसे पहुंचा, पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ फराज बाउद्दीन जी हैं, यहाँ के नगर सेवक। सर, क्या कहेंगे, क्या दर्द थी जो यहाँ का मामला, खास करके प्रभाग क्रमांक 5 वार्ड का मामला महानगर पालिका के दीवारों पर दिखा। पिछले 1.5 या 2 महीने से मेरे वार्ड में बहुत ज्यादा पानी की तकलीफ थी, और दोनों मेरे जोन, दो जोन से मुराद है मेरी, एक जोन मेरा दोपहर 3:30 बजे का है, एक जोन मेरा सुबह 3:30 बजे का है। दोपहर 3:30 का जोन है, उसमें मेरा निजामपुरा अंसारी रोड घास बाजार ये पट्टा आता है। सुबह का 3:30 का जोन में कसाईबारा इस्लामपुरा जैतूनपुरा आता है। तो दोनों दो जोन मेरे जो थे कम्प्लीट डिस्टर्ब थे, जो 4 साल से हमारी कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन तकलीफ खत्म कर दिए थे। तो मैं इनको पिछले 1.5 महीने से रेगुलर बोल रहा हूँ कि कुछ तकलीफ है, चालू पानी क्यों बंद हुआ है। लेकिन ये वही कि इनकी स्टेम ऑफिसर से हम बात करेंगे, स्टेम ऑफिसर इनको सही से बात नहीं करते, इनके सही चीजों का जवाब नहीं देते, अपनी मनमर्जी चलाते। तो कहीं ना कहीं थक हार के जो मेरे माँ बहने मेरे घर पे आ रही थी और मुझे रोज कंप्लेंट दे रही थी, तो मैंने बोला अगर मेरी अगर मेरे वार्ड में अगर तकलीफ चल रही है और मेरे वार्ड में तकलीफ का जिम्मेदार मैं हूं, तो अगर मैं तकलीफ में हूं तो फिर कॉरपोरेशन वाले एसी ऑफिस में चैन से नहीं बैठ सकते। इसके लिए जो मैंने कल दीवारों पे लिखा, मैंने इसलिए वो दीवारों पे लिखा हूं। क्या लफ्ज थे जो आपने दीवारों पे? मैंने दीवारों पे सिर्फ यही लिखा, पानी दो वार्ड नंबर 5, और मैंने कोई गलत बात तो लिखा ही नहीं हूँ, उसमें गलत क्या था? खबर के मुताबिक महानगर पालिका ने अर्जी किया है FIR दर्ज करने। हाँ, खबर के जो आपको खबर मिली है, गलत खबर नहीं मिली है, मुझे भी ये खबर मिली है कि इन्होंने अर्जी किया है कि मुझ पे FIR की जाए। मतलब मुझे तो वही देखना है, ये तो वही हो गया कि मुझको तो वही याद आ रहा है कि जूना दौर याद आ रहा है कि कुछ मांगोगे, हक मांगोगे तो FIR होगी, केस होगी, तो ये तो वही लग रहा है मुझको। कहां तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई क्या लड़नी है मुझको, तो एक मैं तो आपको सबको पता है, पिछले 4 साल में आपने मुझे देखे हो कि जो चीज की मुझे तकलीफ होती है, मुझे मतलब मेरे वार्ड को, इस शहर को अगर कोई तकलीफ होती है और मेरे पास कोई आता है कोई कंप्लेंट लेके, तो मेरा तो काम है, और मैं तो मतलब ऐसा है कि पानी तो इनको देना पड़ेगा। इसके लिए महानगर पालिका के अधिकारियों से पहले आपने कुछ बातचीत की? मेरी तकरीबन सबसे बात हुई, ठीक है, आपने एक सेंटेंस एक इस्तेमाल किया स्टार्ट में कि मजबूर, हम मजबूर नहीं है, हमने 4 साल में कॉरपोरेशन में हर काम कराए है, लेकिन कॉरपोरेशन मजबूर है स्टेम वालों के सामने, आप लफ्ज ये बोलिए। आप कभी जाइए इनको लेके, जब आप स्टेम के ऑफिस में जाओगे तो स्टेम के ऑफिसर्स इनसे बात भी नहीं करते, इनको वक्त भी नहीं देते। एक अदना सा लाइनमैन जो रहता है ना, किस वॉल खोलने वाला, ठीक है, उसको अगर ये किसी दिन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 10-15 दिन वॉल का, भैया 10-15 मिनट के लिए वॉल एक्स्ट्रा खोल दे, तो वो इनकी ये बात भी नहीं सुनता। तो मतलब स्टेम वाले इन पे पूरी तरीके से हावी है, तो ये मजबूर स्टेम के लिए। महानगर पालिका के अधिकारियों को क्या कहेंगे जिस तरीके से हालात, क्योंकि पानी की किल्लत अब से ही इतना सताने लगी है, अभी आगे अप्रैल मई आधा जून इतना बड़ा ये, और पानी को लेकर के खास करके जो किल्लत होने वाली है, क्या कहेंगे इन अधिकारियों? मैं इन अधिकारियों को यही कहूंगा कि आपको बैठ के इसका नियोजन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पानी की तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार बरसात आपने देखे होंगे, बरसात बहुत अच्छी हुई है इस बार, उसके बावजूद पानी, और सबसे बड़ी बात बूथ की कटौती नहीं है, बूथ की कटौती जब आज से 2 साल पहले थी जब भी इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी भिवंडी शहर में, लेकिन आज जो तकलीफ हो रही है, तो इनको कहीं ना कहीं बैठ के, लेकिन मसला है बैठेगा कौन? 31 मार्च तक हर इंसान को इन्होंने लगा दिया, पूरा डिपार्टमेंट घर पट्टी वसूली के ऊपर है। अब कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, पूरा के पूरा डिपार्टमेंट अगर आप घर पट्टी नल पट्टी वसूली में लगाओगे तो वहां काम कौन करेगा? उसके बाद हर ऑफिसर को 2-2, 3-3 चार्ज इन्होंने दिए, वो कहां से करेगा? अगर उसको आपने पानी का चार्ज दिया तो उसको पानी का ही दो ना, आपने पानी का भी दिया, आपने कोई और चार्ज भी दिया, आपने तीसरा चार्ज भी दिया,
फिर अचानक आप बोलते हो कि बस मीटिंग है आ जाओ। मीटिंग तो इतनी चलती है कि समझ के बाहर है। इतनी मीटिंग तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में भी नहीं होती होगी, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी नहीं होती होगी जितनी मीटिंग यहाँ आजकल चल रही है। जब आप जाओगे मीटिंग चल रही है, दो दो घंटा ढाई ढाई घंटा मीटिंग चल रही है, हो गया टाइम खत्म हो गया। क्या कहेंगे जिस तरीके से FIR दर्ज करने की बात सामने आ रही है, लड़ाई तो आपने शुरू कर दिया है। देखिए FIR मुझ पे अभी तक तो हुई नहीं है, मुझे ऐसा पता चला है, पता नहीं कंफर्मेशन है कि इन्होंने अर्जी दी है कि मुझ पे FIR की जाए। अगर मुझ पे FIR होती है ठीक है, मैं तो जो भी कानूनन मेरे जो है मुझे जामीन लेनी है, मुझे जेल में जाना है, उसके लिए तो मैं तो मैंने तो मेरी जो चीज किया हूं, मैंने मेरा मेरी पब्लिक को जो तकलीफ है उसका दर्द मैंने दीवारों पे निकाला हूं। मैंने किसी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया। और सबसे पहली बात, ये महानगर पालिका हमारी है, इनकी नहीं है, ये सर्वेंट है, हम ट्रस्टीज है। महासभा फैसला करे उसका कि मैंने क्या नुकसान किया है, इनको कोई राइट नहीं है। मैं अगर कोई तोड़फोड़ करता, मैं किसी ऑफिसर को गाली देता, मैं किसी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करता, मैं किसी को कुछ और नुकसान पहुंचाता, तो मैं कहूंगा कि मुझ पर FIR जायज थी। मैं मेरी जायज चीजों को अगर दीवारों पे लिखता हूं तो आपको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है, पानी दीजिए मेरे को। अगर FIR मुझ पर होती है मैं तो जामीन लूंगा या जो भी है मुझे अंदर जाना पड़े उसके लिए तैयार हूं, लेकिन उसके आने के बाद तो फिर मैं और करूंगा। और करने के मुराद मेरे वार्ड में जब तक मुझे पानी नहीं मिलेगा, मुझे वहां बैठना पड़े, मुझे वहां पे वहीं सोना पड़ जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये फराज बाउद्दीन, खास करके यहाँ के लोगों की अगर समस्या दूर नहीं हुई तो कहीं किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं, पर यहाँ के लोगों के साथ न्याय होगा। हालांकि महानगर पालिका में जिस तरीके से ये अंधेर नगरी का कार्य चल रहा है उसे लेकर के महानगर पालिका हर वर्ष इस पानी को लेकर के काफी चर्चे में रहती है, पर इस बार जो लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है कहाँ तक जाएगा हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। देखते रहिए।